हेलो एंड वेलकम टू एक लव ओवरसीज, दिस इज पूर्णिमा अगेन। सो जैसा कि आप जानते हैं 2022 का एकेडमिक प्रोसेस एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन्स का स्टार्ट हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी नीट थोड़ा सा डिले है। इस साल एक्सपेक्टेड डेट जो नीट की एनटीए ने हमें दी है वो है कभी भी जुलाई में हो सकता है और चांसेस हैं कि 15-20 दिन से वो और पोस्टपोन हो सकता है, बट द एस्टिमेट डेट इज़ अराउंड 17th जुलाई। सो जो एक कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर है कॉलेजेस को लेकर के, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जॉर्जिया के, उनको लेकर के स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है और डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स आर इंक्वायरिंग एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशिएट बिटवीन टू यूनिवर्सिटीज़। वन इज़ तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड इज़ तिब्लिसी स्टेट यूनिवर्सिटी। So join me in this video till end because I am going to share the whole description of both the universities in detail so that you will know the exact difference between these universities, and do watch the video till end and also subscribe our YouTube channel Eklavya Overseas। सो कंपैरिजन बताने के पहले सबसे पहले मैं आपको सिमिलैरिटीज़ बताना चाहूँगी दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट्स एंड कॉमन थिंग्स अबाउट बोथ द यूनिवर्सिटीज़। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर वन, both the universities are government affiliated universities and are more than 100 year old universities. So this is the number one similarity between these universities. Second point of similarity would be that both the universities are having their own affiliated government hospitals jahan par bhi bacche apni clinical rotation kar sakte hain. Third is both the universities located in the city heart of capital in Tbilisi, and both the universities are having world class and are sharing world class infrastructure and advanced medical facility, and they are giving a very good platform to international students to study the medical faculty. Chautha point aata hai universities ki tuition fees ke bare mein, and both the universities are having a common tuition fee structure for international students, and that is $8,000. Number fifth point of similarities would be that both the universities have a similar kind of infrastructure and have very good academic buildings for medical faculty. And the last but not the least point would be that both the universities are accredited worldwide. जहाँ पर हम बात करते हैं WHO के अप्रूवल की, ECFMG के अप्रूवल की, FAMR, या फिर both the universities are having all the affiliations and accreditations provided by the different medical bodies. तो ये बात की हमने similarities की जो दोनों universities के बीच में है, और इसके अलावा अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ की तो मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो आप आई बटन पे जाकर दोनों यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग जाए दोनों यूनिवर्सिटीज़ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनका ट्यूशन फीस है, या फिर और कंप्लीट डिटेल्स आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो अब बताती हूँ मैं आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ कैसे अलग हैं। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम में, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में TSMU और TSU बोलते हैं, बट TSMU में तिब्लिसी स्टेट मेडिकल आ जाता है। तो बच्चे कई बार ये समझ लेते हैं कि TSMU मेडिकल यूनिवर्सिटी है और TSU मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। बट मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगी यहीं पे, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेडिकल फैकल्टी की पढ़ाई करवाई जाती है, बट एज द नेम सजेस्ट तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल फैकल्टी ओनली। बट TSU को पूरा नाम हम लोग, जैसे कि मैंने बाकी यूनिवर्सिटी वीडियोज में बताया हुआ है, इवाने जावा कश्मीली तिब्लिसी स्टेट यूनिवर्सिटी उसका पूरा नाम है। इट ऑल्सो गिव्स यू स्पेशलिटी इन मेडिसिन, जहाँ पर आप मेडिसिन की भी पढ़ाई करते हैं, बट इट ऑल्सो हैज़ अदर मोर देन 50 स्पेशलिटीज़ जहाँ पर आप और भी कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये सबसे पहला सबसे कॉमन डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आता है करिकुलम को लेकर के। जो TSU है इवाने जावा कश्मीली, यहाँ पर एक कॉमन करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है जो कि ECTS बेस्ड पैटर्न होता है, और जो कि यूजुअली नॉर्मली हर यूरोपियन यूनियन या फिर शेंगेन कंट्रीज़ के अंदर जो कॉमन करिकुलम फॉलो किया जाता है। बट अनलाइक इन TSMU दे हैव टू करिकुलम्स, वहाँ पर दो करिकुलम है, यूरोपियन करिकुलम भी है और US करिकुलम भी है। तो US करिकुलम की हम बात करें, US करिकुलम में बच्चे कई बार पूछते हैं कि US करिकुलम अलग क्यों है और EU करिकुलम अलग क्यों है। तो US करिकुलम अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप USA की यूनिवर्सिटी का करिकुलम में पढ़ाई कर सकते हैं और आप USMLE लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली एन अमेरिकन बेस्ड सिस्टम।
EU curriculum of TSLU is very much similar and as equal as the curriculum in Ivani Javakashvili Tbilisi State University. So ये रही दूसरा difference की बात. So एक और common difference है दोनों universities के बीच में और जो कि हर बच्चे को almost 90% students को ये बात पता होती है. Because सबसे पहले अगर हम abroad में जाते हैं तो हम university की ranking check करते हैं. तो अगर दोनों university की ranking आप देखेंगे तो TSU की worldwide national ranking बहुत अच्छी है. It carries a very good ranking and somewhere it lies within 200 amongst the best national universities as per the Times New Ranking of year 2022. वहीं TSMU की ranking अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ medical faculty में specialized है and it is carrying a ranking of between 1700 to 1800 in the worldwide. So ये एक ये रहे मैंने आपको जो बताए सारे common factors थे जिसके basis पर आप differentiate कर सकते हैं कि दोनों universities में similarities भी हैं और दोनों universities अलग-अलग भी हैं. But we cannot say that Tbilisi State University is good or TSMU is bad. Both universities have their own advantages and their own points of giving opportunities to or an advantage to the international students. So thank you so much for watching the videos. And one more thing I would like to add here is that both the universities have already started their application process for 22 to 23 academic year. So for those who are interested in applying for the best medical colleges in Georgia, these two universities are the one of the best options in terms of medical faculty. Thank you so much.